और लोकतंत्र में तो हम चाहते हैं कि सभी पार्टियां स्वस्थ रहे और अपने मैदान पकड़े, लेकिन दुर्भाग्य के साथ अभी कांग्रेस की ठिकाने में है। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश कांग्रेस की वर्तमान स्थिति पर ली चुटकी। उन्होंने कहा कि चुनाव की तारीख की घोषणा हो गई है, भाजपा ने मध्य प्रदेश सहित अधिकांश प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। लोकतंत्र में हम चाहते हैं कि सभी पार्टियां स्वस्थ रहे और अपने मैदान पकड़े, लेकिन दुर्भाग्य के साथ अभी कांग्रेस के ठिकाने तक नहीं है। अभी कांग्रेस के 18 प्रत्याशी घोषित किया जाना बाकी है। उम्मीद करता हूं कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार का हमारा अपना वातावरण दिख रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चलने का और जनता का रिस्पांस भी है। आज से हमारे प्रत्याशियों का नामांकन फॉर्म भरने का क्रम जारी है। आज मैं सीधी में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा का नामांकन फॉर्म भरने जा रहा हूं। मेरे सरत वरिष्ठ मंत्री प्रहलाद पटेल जी भी जा रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि लोकतंत्र में जल्दी से प्रत्याशी मैदान में आए तो चुनाव हो जाए, लेकिन क्या करें, कांग्रेस के संकट इतने हैं कि वो निपट ही नहीं पा रहे हैं। चुनाव की घोषणा हुए समय हो गया, 16 तारीख को चुनाव की घोषणा हो गई और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी पार्टी ने अपने मतदाता सहित अधिकांश प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और लोकतंत्र में तो हम चाहते हैं कि सभी पार्टियां स्वस्थ रहे और अपने मैदान पकड़े, लेकिन दुर्भाग्य के साथ अभी कांग्रेस के ठिकाने में है। मेरी जानकारी में कि 16 से ज़्यादा 18 प्रत्याशी अभी उनके लिए घोषित किया जाना बाकी है। वैसे उम्मीद करता हूं कि मध्य प्रदेश में हमारा अपना जो जिस प्रकार का वातावरण दिख रहा है वो यशस्वी मोदी जी के साथ चलने का है, जनता का रिस्पॉन्स भी है। आज से हमारे प्रत्याशियों का फॉर्म भरने का क्रम भी जारी है। आज मैं सीधी का फॉर्म भरवाने जा रहा हूँ, मेरे साथ हमारे वरिष्ठ मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी भी जा रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि लोकतंत्र में जल्दी से प्रत्याशी मैदान में आए तो हो जाए, लेकिन क्या करें, कांग्रेस के संकट इतने हैं कि वो निपट ही नहीं रहे। भोपाल से मुकेश सिंह की रिपोर्ट।